दोस्तों इस तरह से घर बैठे झरना बनाना चाहते हैं तो सड़े हुए अनार के टुकड़ा को फेंकना नहीं है, इसे काम की चीज बना लेनी है। तो सबसे पहले गीला सीमेंट को लेकर आना है और अनार के टुकड़े पर गिराकर उसे प्लेन कर देना है। फिर इसके बाद सीमेंट सूख जाता है तो अनार के टुकड़ा को निकालकर बाहर फेंक देना है। फिर एक ट्रे में सीमेंट को डाल देंगे और इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूख जाने के बाद इस ट्रे को पलट देंगे और इसे बाहर निकाल देंगे और सीमेंट के ऊपर इस तरह से लाइनिंग बना देंगे। फिर इसके बाद शीशे वाला स्केल को लेकर आना है और फेविकॉल के मदद से बारी बारी कर जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद इसके ऊपर गुलू गिराकर स्केल को खड़ा कर देंगे और जोड़ देंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर सीमेंट को डाल देंगे और सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूख जाने के बाद स्केल को हटा देंगे। फिर इसके बाद बॉक्स वाले सीमेंट के ऊपर सीमेंट को रखकर अनार वाले सीमेंट को रख देंगे और आसपास में फूल को लगा देंगे, तभी एक सुंदर सा चीज बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन उसे देखने से पहले भाई और बहनों आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मां लिख दीजिए, तभी आपका सुंदर सा झरना बनकर तैयार हो जाता है जिसे अपना बेडरूम में सजा भी सकते हैं।